अब बोलो प्रताप, अब भी तुम्हें लगता है कि तुमने मुन्ना को मारकर कोई गलती की है? तुम मुझसे पूछ सकते हो कि हम लोग अब तक क्या कर रहे थे? हमारा कानून ही हमारी रुकावट है। प्रकाश पर हाथ डालते ही मिनिस्टर के कॉल आने लगते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते ही पीछे हटाने के लिए हाईकमांड से फोन आते हैं। मेरी नजर में प्रकाश को पकड़ना जितना गलत है, उतना ही तुम्हें पकड़ना भी गलत है। ये लो तुम्हारा पर्स, मुन्ना की डेड बॉडी के पास मिला था। प्रताप, निश्चिंत होकर तुम गांव जाओ और जिस लड़की से प्यार करते हो उससे शादी करके घर बसाओ। सुनो, प्रकाश के आदमी कभी भी तुम पर हाथ डाल सकते हैं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। खाने दो ना प्लीज सर, माँ जी कुछ दो ना सर, सर प्लीज दो ना। एपीजे अब्दुल कलाम। ए छोटू, ए छोटू, ए छोटू, क्या हुआ तुझे? हाँ क्या हुआ तुझे? बोल ना क्या हुआ तुझे? बोल। What? भाई, मुन्ना को मारने वाला वरदा राजा नहीं है, वो एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है। कौन है वो? कहाँ रहता है? बोल बोल। पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, वो अभी कोमा में जा सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। अरे मेरा भाई ऑलरेडी मर चुका है। हट। हाँ आगे बोल। भाई वो कहाँ रहता है पता नहीं, लेकिन उसके साथ एक स्कूल का लड़का भी है। ए, इसको गाड़ी पर चढ़ाओ रे। भाई वो लड़का, भाई ए बाबी इधर आ। शराफत से सब बता दे। सच में सर वो कौन है मुझे पता नहीं। पता नहीं तो ऐसे ही अपने बेटे को उसके साथ स्टेशन भेज दिया? नहीं। बोलो। नहीं नहीं, नहीं। माँ छोड़ो मेरे माँ बाप को। बोलो 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 बोलो। देखो बिना जान पहचान के अपने बेटे को उसके साथ भेजा था। मुझे सच पता नहीं है। छोड़ दो, छोड़ दो सर, अभी छोड़ दो, बता दे। बेटा मेरे हाथों से मारा जाएगा, पता बोल। सर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। हाँ ये रहा उसका फोटो। भाई यही है वो, यही है वो जिसने मुन्ना को मारा।
हैदराबाद छोड़ के भागने की सोच रहा है। बहुत चालाक बनता तू, मुन्ना को मारा तूने, तू बच जाएगा। छोड़ दीजिए, उसको मारना अच्छी बात। मेरे लिए अच्छाई बुराई मेरे गुस्से और बदले से बढ़कर नहीं है। ऑलरेडी मैंने अपना भाई खोया है, मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए। उसकी कब्र यही बनाऊंगा मैं। तुझे जिंदगी में जो गलती नहीं करनी थी वो गलती तूने आज मुझे टेंशन देकर कर दी। मेरी वजह से तूने इसके माँ बाप को मार करके इसको अनाथ बना दिया है। तेरी वजह से अनाथ हो गया मैं। इस बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि पंडित ने मेरी शादी 28 तारीख को तय की है, तब तक मैं यहीं रहूंगा। यहाँ रहकर तेरी हर चाल पे नजर रखूंगा। तेरा गुंडा राज खत्म करूंगा मैं, सबक सिखा के रहूंगा तुझे। और जो राक्षसों की हालत होती है वही हालत तेरी करूंगा। और तुझे बीच रास्ते में ला करके खड़ा कर दूंगा मैं, और वहीं पे तेरा मुहूर्त निभाऊंगा, उसी जगह पे। 19 तारीख को तेरे ब्रांच के सारे गुंडों को बुलवा लेना यहाँ पे। ये प्रकाश, गलती से मेरा हाथ तेरे भाई के ऊपर पड़ गया था, जानबूझकर नहीं मारा, फिर भी ऊपर चला गया वो। तुझे तो पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ तुझे, अकेला हूँ, 100 को चीर कर रख दूंगा, ये याद रखना तू।